नमस्कार, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे। एमएस एक्सेल क्या होता है, इसमें किस किस टाइप का वर्क किया जाता है, एक्सेल में कौन कौन सी शीट्स होती हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होता है, ऑटोफिल प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह की कई सारी जानकारी हम आज की क्लास में आपको एमएस एक्सेल के बारे में देंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे बिल बनाना हो, बैलेंस शीट तैयार करना हो, सैलरी स्लिप बनाना हो। एक्सेल में किसी भी टाइप का टेबुलेटेड वर्क जो होता है वो अच्छे से किया जा सकता है। और इसमें इसको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल में कई सारी वर्कबुक्स बनाई जाती है, इसकी जो फाइल्स बनती हैं वो वर्कबुक के नाम से होती हैं, और इसके अंदर जो पेजेस होते हैं उनको हम शीट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी शीट्स कहलाते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले अगर एमएस एक्सेल स्टार्ट करना हो तो एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल 2010 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस एक्सेल इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर हमें एमएस एक्सेल में कोई भी वर्क करना हो तो यहाँ पे आपको कई सारे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो दिए गए होते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अल्फाबेट दिए गए हैं, जो वर्टिकली आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके कॉलम्स। और जो अल्फाबेट में अलावा जो आपको न्यूमेरिक डेटा दे रखे हैं, जो हॉरिजॉन्टल में हैं, वो हैं आपके रोज। यानी इस एक्सेल की एक शीट में आपको कुछ रो और कॉलम्स मिलेंगे, और जहाँ पे एक रो और कॉलम मर्ज हो जाता है वो कहलाता है आपका सेल। ये है एक सेल। एक्सेल की जो वर्कबुक्स हैं, जिनको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक ऑटोफिल प्रॉपर्टी भी होती है। एक्सेल की एक ऑटोफिल प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कोई भी न्यूमेरिक डेटा या कोई भी हम मंथ का डेटा अगर टाइप करते हैं, कोई भी एक मंथ का डेटा हमने टाइप किया तो सारे मंथ आपको एक साथ डिस्प्ले हो जाते हैं। या फिर डेज ऑफ द वीक अगर हम कोई भी एक संडे मंडे कुछ भी लिखेंगे तो वो भी हमें रनिंग में हमें डेटा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण होता है। इस पे एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी वर्क करती है। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के नीचे वाले सेल में अगर हमने 2 लिखा, इस 1 और 2 में जो डिफरेंस है, हमें सीरियल नंबर बनाना है तो हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के लिए जो आइकन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो प्लस का साइन दिखाया जा रहा है, इसके थ्रू हम किसी भी डेटा को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, यानी 1 और 2 को हमने सेलेक्ट किया। फिर कर्सर को अगर हम इसी के राइट साइड में ले जाते हैं तो देखिए एक डॉट सा नज़र आ रहा है। इस डॉट पे अगर हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो उसका आइकन चेंज हो जाता है, वो प्लस का साइन थोड़ा इस टाइप से दिखाई देता है। और अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो कंटिन्यू में वही डिफरेंस आपको आगे दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि नंबर्स पे ऑटोफिल प्रॉपर्टी वर्क करती है एक्सेल की। और या फिर अगर आप कोई भी दूसरा नंबर अगर इसमें डिफरेंस में लेना चाहते हैं, जैसे 5 और 10 में डिफरेंस बताना चाहते हैं, तो इन दोनों को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और राइट साइड में अपना कर्सर रख के उसको ड्रैग करते हैं तो वही डिफरेंस आगे आ जाता है। और अगर मंथ का कोई डेटा आपने मई जून जुलाई, जैसे हमने जुलाई लिखा, और आप सारे मंथ एक साथ लेना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से सारे मंथ एक साथ आ जाते हैं। इस तरह से इसकी ऑटोफिल प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करती है। और अगर डेज ऑफ द वीक संडे मंडे हमने कोई भी एक डे लिखा और हम ड्रैग किया राइट साइड पे कर्सर रख के तो सारे डेज ऑफ द वीक एक साथ आ जाते हैं। तो ये एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी कहलाती है। एक्सेल में हम कोई भी काम जब फास्टली करते हैं तो इसकी ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण हम इसमें फास्टली वर्क कर सकते हैं। एक्सेल में जो फाइल्स बनती है वो वर्कबुक्स होती है, और इसके अंदर जो पेजेस होते हैं वो शीट्स होती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में 3 शीट्स आपको दिखाई देती हैं, और भी अगर आप शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस पर और शीट इंसर्ट कर सकते हैं। कई सारी एप्लीकेशंस को हम इसमें सेट कर सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है वो बुक 1 के नाम से होता है। जब भी हम कोई एक फ़ाइल स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने ये फ़ाइल ओपन की है तो यहाँ पे बुक 1 दिखाया जा रहा है। जैसे ही दूसरी नई एक फ़ाइल ओपन की तो वहाँ पे बुक 2 आ गया। जब तक ये फ़ाइल आपकी सेव नहीं है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से आपको दिखाई जाएगी। जब आप इस फाइल का कोई नाम दे देंगे तो वो फाइल का नाम आपको डिस्प्ले होगा, उससे पहले आपको यहाँ पे ये बुक 1 और बुक 2 ही दिखाई देता है। इसके अलावा हम इसके एक्सेल के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको रेड लाइन में दिखाया जा रहा है ये कहलाता है आपका टाइटल बार। फिर नीचे आपको होम, फाइल, इंसर्ट, ये जो दिखाई दे रहे हैं, फार्मूला, टैब,
ये सारे जो हैं आपके फाइल टैब हैं, जिसको हम मेनू बार भी कहते हैं। ये ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये रिबन का कहलाता है। कभी भी हम कोई भी मेनू बार को क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ये रिबन पे दिखाई देते हैं। ये है आपका नेम बॉक्स, जहाँ पे आपका कर्सर रखा जाता है। यानी ये जो एक सेल एक्टिव है, इसमें दो रिलेटिव यानी बी और थ्री, यानी उसका एक कॉलम नंबर और उसका एक रो नंबर रहता है, वो आपको दिखाया जाता है नेम बॉक्स में। और ये कहलाता है फार्मूला बार। अगर इस सेल में आपने कोई भी न्यूमेरिक डेटा या टेक्स्ट आपने लिखा है तो वो डिस्प्ले होगा आपको इस फार्मूला बार में। इसके अलावा ये आपके कॉलम्स हैं जो वर्टिकल हैं, और ये आपके रोज़ हैं जो हॉरिजेंटल हैं। ये वर्कशीट का पूरा एरिया कहलाता है। ये स्क्रॉल बार है जो आपको राइट साइड में दिखाया जा रहा है। पेज को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं, तो ये स्क्रॉल बार आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपको दोनों तरफ दिखाई देगा। नीचे आपको यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन दे रखा है, पेज का स्केल कम या ज़्यादा करने के लिए आपको जूम का स्केल दिया गया है। नॉर्मली 100% पे वर्क किया जाता है। नीचे वाला जो एरिया है वो स्टेटस बार का होता है। ये पूरा एरिया जो है वो स्टेटस बार कहलाता है। यहाँ पे ये जो दे रखा है ये शीट्स कहलाती हैं। और अगर हमें किसी शीट को आगे पीछे लेना है तो यहाँ पे ये जो है ये शीट टैब स्केलिंग बटन्स कहलाते हैं। तो ये पूरा हमारा जो है वो वर्कशीट है, और उस वर्कशीट के बारे में हमने आपको जानकारी जो बताई है। फिर है सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे रिबन जो दिया गया है। रिबन में आपको होम टैब है, इंसर्ट टैब है। होम टैब में अगर आप कोई भी डेटा को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये वाले सारे ऑप्शंस यूज आएंगे। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें अलाइनमेंट चेंज करना है, अगर हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमको यहाँ से सेंटर में लेना है, तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन दे रखा है। आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिया गया है। मर्ज का ऑप्शन यूज करना हो तो भी आपको होम टैब में मिलेगा। और किसी भी नए रो या कॉलम को इंसर्ट करना हो, उसको डिलीट करना हो, उसको हमें कुछ फॉर्मेट को चेंज करना हो, उसमें सेल स्टाइल कलर चेंज करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको होम टैब में मिलती हैं। इंसर्ट टैब में कोई भी अलग से आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप वगैरह, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। या हमें चार्ट इंसर्ट करना हो तो चार्ट का भी आपको यहीं पे दिखाई देगा। हेडर फुटर इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब में मिलेगा। पेज लेआउट में पेज की सेटिंग के लिए आपको पेज सेटअप का ऑप्शन दे रखा है, स्केल टू फिट का ऑप्शन दे रखा है, शीट का ऑप्शन दे रखा है, ये सारे ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलेंगे। इसके अलावा फार्मूला बार है। फार्मूला बार में आपको कई सारे फंक्शंस दिए गए हैं जिनको कैसे यूज़ करते हैं हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फार्मूला को यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फार्मूला ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा नेम मैनेजर का ऑप्शन दे रखा है, ट्रेस प्रेडिकेट्स का ऑप्शन दे रखा है, रिमूव एरोज, ये सारे ऑप्शन आपको फार्मूला में दिए गए हैं। उसके अलावा डेटा टैब में अगर आप किसी भी डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, डबल बार अगर कोई डेटा रिपीट हो गया है तो उसको आप रिमूव डुप्लीकेट से हटा सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दे रखा है। टेस्ट टू कॉलम का ऑप्शन है, कंसोलिडेट का है, व्हाट इफ एनालिसिस का है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको डेटा टैब में मिलेंगे। इसके बाद रिव्यू टैब में आपको कई सारे ऑप्शंस और भी दे रखे हैं, जैसे स्पेलिंग है, ट्रांसलेट का ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। व्यू टैब में आपको पेज का लेआउट चेंज करना हो, नॉर्मल शीट से पेज लेआउट में कैसे कन्वर्ट करता है, फ्रीज पैन का ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू विंडो से कॉपी बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, जूम स्केल कम ज़्यादा करना है, ग्रिड लाइन शो करना है, हाइड करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे व्यू टैब में मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम वर्कशीट में डेटा एंटर करना चाहते हैं, किसी भी डेटा, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे डेट या टाइम हो, कोई भी फॉर्म हम लेना चाहते हैं तो वर्कशीट में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कोई भी टैक्स लिखना है तो हम यहाँ पे कोई भी टैक्स इसमें लिख सकते हैं। इसी सेल में अगर हमें कोई नंबर वगैरह लिखना है तो हम नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमें डेट और टाइमिंग ऐड करनी हो तो हम डेट और टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। जो भी डेट आपको ऐड करनी है वो इस तरह से हम उसमें डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। डेट और टाइम का फॉर्मेट भी ऐड किया जा सकता है। हमें उस सेल में, यानी हम जिस सेल में वर्क करते हैं, वो सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाया जाता है, और जो सेल में आपने डेटा टाइप किया है वो फार्मूला बार में इस तरह से
शो होता है। फिर यदि हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिसंबर टाइप किया, अब दिसंबर का जो डेटा है वो थोड़ा सा आपको देखो यहाँ पे कटा हुआ नज़र आ रहा है, यानी वो पूरी तरह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल की साइज़ जो है वो कम है, वो सेल की साइज़ में वो टेक्स्ट को पूरा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ती है। हम कॉलम की विड्थ या तो आप यहाँ से डबल बार क्लिक करके बढ़ा सकते हैं तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा, या फिर आप उसको स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस बॉर्डर पे कर्सर रख के हम इसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, या डबल बार क्लिक करके इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम कभी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसी तरह से डबल बार क्लिक करके या फिर रो की हाइट इस तरह से हम नीचे की तरफ उसको मूव करेंगे तो रो की हाइट भी बढ़ जाती है। अगर हम रो या कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ताकि वो हमारा जो टेक्स्ट है उस सेल में एडजस्ट हो जाए। फिर अगर हम वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं कि हमने कोई भी काम किया है हम उसको सेव करना चाहते हैं, तो वर्कबुक को सेव करेंगे तो फाइल टैब में जाके हम सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये वर्कबुक आपकी सेव का ऑप्शन पूछेगा। जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला कि आप किस नाम से अपनी फाइल बनाना चाहते हैं वो, और दूसरा आप किस लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल के नाम से एक फाइल बनाते हैं, एक्सेल स्टार्टिंग दे देते हैं, इसका नाम हमने एक्सेल स्टार्टिंग दिया है, और इसका लोकेशन आपको क्या रखना है, डेस्कटॉप रखना है, डाउनलोड रखना है, डी ड्राइव रखना है, एच ड्राइव रखना है, जो भी आपको रखना है। जैसे हम अभी यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन दे रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं, तो देखिए जो नाम हमने दिया एक्सेल स्टार्टिंग, तो वो नाम यहाँ पे सेट हो जाता है, यानी वो बुक टू या बुक वन जो था ऊपर जब हमने स्टार्टिंग किया था तो बुक वन आता है, और वो हटकर यहाँ पे जो हमने अब नाम सेव कर दिया है तो वो नाम से ये फाइल आपके कंप्यूटर में पहचानी जाएगी। उसके बाद अगर हम इस फाइल में कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो इसको सेव एज के रूप में कर सकते हैं, यानी उसी की डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं तो हम सेव एज में जाके कर सकते हैं। इसका हम कोई नाम चेंज करके यहाँ पे इसको दोबारा सेव कर सकते हैं, ताकि हम अपनी डुप्लीकेट फाइल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। हमने इसको एक्सेल सेटिंग कॉपी नाम दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारी सेव एज फाइल बन गई है, और अब आप जो भी चेंजेस करेंगे तो इस फाइल में आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एक्सेल होता है, एक्सेल का हर एक सॉफ्टवेयर का हर एक प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन दिया गया होता है। इसका एक्सटेंशन होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये इसका एक्सटेंशन दिया गया होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये उसका एक्सटेंशन होता है, वो उसके एक्सटेंशन के नाम से ही पहचानी जाती है। फिर यदि हमें फाइल को बंद करना हो, हमें क्लोज करना हो, तो हम यहाँ से फाइल टैब में जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। जब हमारी फाइल यहाँ से बंद हो जाती है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूछा जा रहा है, क्योंकि जो भी हमने चेंजेस किया है उसको आपने अगर सेव नहीं किया है तो उसको सेव करें, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो लास्ट जो डेटा आपने टाइप किया है वो सेव नहीं होगा, अगर आप सेव करेंगे तो सेव करके वो उसको क्लोज कर देगा। इस तरह से फाइल को बंद किया जाता है। और अगर फाइनली आप विंडोज से भी बाहर आना चाहते हैं तो फाइल टैब में जाके आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आप कम्प्लीटली अपने एक्सेल से भी बाहर आ जाते हैं। जो भी फाइल आप ओपन करते हैं उसको अगर सेव नहीं करते हैं तो आपको उसको सेव करके ही उसको बाहर आना है। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।